मुझे लगता है कि ये भाई अफ्रीका की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है क्योंकि यहाँ पे इतनी मिलिट्री बेसिस हैं। तो भाई फिलहाल हम लोग आ चुके थे एक ड्राइव सेंटर में। भाई यहाँ पे वीडियो बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी आज रात को, और आज पुलिस थाने में मुझे रात बितानी पड़ेगी। तो भाई हमें मॉस से धक्के मार के बाहर निकाल के गया। बंदा क्या कर रहा है, निकले यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई इस वक्त मैं हूँ जिबूटी सिटी में, जो कि जिबूटी की कैपिटल है। मैं कल यहाँ पर आ गया था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, और भाई काफ़ी गर्मी है यहाँ पे यार। इथियोपिया में फिर भी टेम्परेचर ठीक था, बट यहाँ पे मेरे एकदम सब कुछ जल रहा है और काफ़ी ह्यूमिड भी है। अभी जो तापमान है भाई 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 बढ़िया 32 डिग्री। लाइक जब मैं डनक्किल की तरफ था तो उतना ज़्यादा कोविड नहीं था, कि यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस में मेरी हालत ख़राब हो रखी है। फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ कुछ कुछ खाना पीना खाने के लिए। ब्रेडर ने ऑलरेडी मेरे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर रखा है, जरा देखता हूँ क्या ऑर्डर किया ब्रेडर ने। बट यहाँ पे सबसे जो पहला इंप्रेशन हमारा रहा, गर्मी है ये भाई साहब, थोड़ा बुनना प्लेस है, और खाने का हिसाब किताब किधर इधर है। आ जाओ देखते हैं भाई खाने में क्या है। हेलो, हाउ यू डूइंग, हाउ इज द फूड? आई वाज वेटिंग फॉर यू। हाउ इज द फूड दो? एक्चुअली प्रीटी गुड। What are you eating? Steak? I've got some steak. I'm just like actually really hard to find here. Got some biryani. Rice. Lemon juice. Papaya. Rubber juice. Dabba. Okay. Rubber. Yeah. That's it. चलो भाई खाना पीना खाते हैं। तो भाई खाना पीना एकदम खा लिया है। खाने का जो बिल आया भाई 2600 फ्रैंक, जो कि इंडियन रुपीज़ में भाई 1200-1300 रुपये बनता है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखा मैंने कि कंट्री इथियोपिया से बहुत एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट लाइक 4-5 टाइम्स, और कुछ कुछ चीज़ों में तो 10 टाइम एक्सपेंसिव है। एक भाई एक्सपेंसिव कंट्री में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि ये भाई अफ्रीका की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है क्योंकि यहाँ पे इतनी मिलिट्री बेसिस हैं, यहाँ पे इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो भाई खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं फिलहाल स्ट्रीट सिटी को देखने के लिए। नेविगेट कर रहा हूँ यहाँ पर अपने फ़ोन में। ये भाई साहब खत पूरा खा रहे हैं। हाउ आर यू? फाइन खात। जिबूती। जिबूती खात। तो भाई ये यहाँ का लोकल गांजा है, यहाँ पे लोग खाते रहते हैं एकदम, जहाँ भी जाते हैं ये गांजा जरूरी है। मतलब टैक्सी ड्राइवर, यू नो, ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं या हॉस्टल में काम कर रही है। और भाई यहाँ पे छोटा सा प्लेन एयर जिबूती का, ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। भाई काफ़ी मुझे पुराना शहर लग रहा है ये, और मतलब काफ़ी मुझे सूडान की याद दिला रहा है ये शहर, अगर सच कहूँ तो। ये जो खत है भाई ना, एकदम डेंजरस है भाई। कल बाला बंदा भी एकदम खत खाके एकदम पूरी तरह से एकदम हाई था। मैंने भाई ट्राई किया था इथियोपिया के अंदर, आपने देखा था, मुझे पता नहीं फील ही नहीं होता कुछ, या तो मैं खाने का तरीका गलत है, एक्चुअली खाने का तरीका ही मेरा गलत है। लोग बोल रहे हैं कि तुमको चबाते रहना है 15-20 मिनट तक, और भाई 2 मिनट के बाद मैं अंदर ले लेता हूँ या तो फिर फेंक देता हूँ, तो इसलिए मेरे को अब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसको ट्राई नहीं करता हूँ मैं, हो गया बहुत। ये दिख रहा है भाई ऐसा कुछ हिसाब किताब यहाँ पर शहर का। तो भाई फिलहाल में हम लोग आ चुके थे एक डाइव सेंटर में, क्योंकि भाई जिबूटी डाइव के लिए काफ़ी फेमस है, और यहाँ की वाटर क्योंकि भाई रेड सी के पास पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग आ रखे थे। और ब्रिटेन को एक्चुअली इस पे से सारे कुछ करना था। ये हम लोग, ये भाई रेट है भाई, और यहाँ पर आए हैं फिलहाल कोई नहीं है। इस दीदी को ना ही अंग्रेजी आती है और ना ही हिंदी आती है, तो इनको आती है फ्रेंच, सोमाली। यहाँ पे भाई जनरली लोग चार लैंग्वेज बोलते हैं भाई। यू स्पीक फ्रेंच, सोमाली, अरबी, अफार। भाई यहाँ पे लैंग्वेज 4 लैंग्वेज लोग बोलते हैं। जो अफार लैंग्वेज है वो जो हम जो डनक्किल डिप्रेशन में थे वहाँ भी बोलते थे। सोमाली क्योंकि यहाँ पे सोमाली से काफ़ी पास पड़ता है। अरबियन पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज सूडान के आसपास लिए यहाँ पे अरबी बोलते हैं, मतलब अरबिक। तो यहाँ पे लोग जनरली 4 लैंग्वेज बोलते हैं भाई। मिक्स है भाई जिबूटी ना, जिबूटी इथियोपिया का मिक्स है, सोमालिया का मिक्स है, अरबी का मिक्स है, और थोड़ा थोड़ा बड़ा फ्रेंच भी, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। तो भाई जिस तरह इथियोपिया के अंदर कॉफ़ी कल्चर है, यहाँ भी भाई कॉफ़ी कल्चर है, बट यहाँ की कॉफ़ी मुझे उतना पसंद नहीं है जितना मुझे इथियोपिया की कॉफ़ी पसंद आई थी। यहाँ की कॉफ़ी भाई बहुत पतली होती है, और जो इथियोपिया कॉफ़ी थोड़ी मोटी होती है भाई, मतलब ज़्यादा थिक होता है। और भाई यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट के पास पॉपकॉर्न और ये कॉफ़ी पी रहे हैं। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब भाई, छोटा सा रेस्टोरेंट है ये भाई, पुराना ओल्ड सिटी है। तो भाई फाइनली हम लोगों ने इसको भाई डबिंग वगैरह सब कुछ पता कर लिया इस एरिया में। भाई फिलहाल हम लोग इस एरिया में घूम रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये भाई इसे कहते हैं यूरोपियन क्वार्टर। या भाई हम लोग फिलहाल अभी रेड स्क्वायर में घूम रहे हैं। दिस इज द रेड स्क्वायर, दिस इज यू कैन सी। ओह माय गॉड भाई, फोटो के लिए आई नॉट यू। ओके ओके। तो भाई फिलहाल सिर्फ मैं कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अपनी स्टिक भी नहीं लगाई है, और भाई यहाँ पे वीडियो बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई। एकदम लोग बोलते हैं स्टॉप फोटो, स्टॉप फोटो। जस्ट लाइक 2 मिनट हुआ भाई मुझे कैमरा निकाले, स्टॉप फोटो, स्टॉप वीडियो। फिलहाल भाई हम लोग इस स्ट्रीट में घूम रहे हैं, मैं ट्राई करता हूँ जितना भी हो सके वीडियो बनाने का।
बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी आज रात को, और आज पुलिस थाने में मुझे रात बितानी पड़ेगी। फिर भी रिस्क लेके भाई वीडियो बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है, पता नहीं क्या दिखाऊँ आपको मैं, यहाँ पे कुछ देखने लायक है ही नहीं इस कंट्री में। भाई थोड़ी मोटी ड्राइविंग वगैरह कर सकते हो आप, और यहाँ पे एक दो लेक है चीज़ें करने के लिए। इसके अलावा भाई यहाँ पे कुछ खास है नहीं, नहीं कुछ हैपनिंग यहाँ पे चल रहा है। और भाई लोग यहाँ मसाज के लिए बहुत पूछ रहे हैं, बोल रहे डू यू वांट मसाज, डू यू वांट मसाज, ब्रेड डू यू वांट मसाज, नो थैंक यू, नो थैंक यू। ये भाई पूरा यूरोपियन क्वार्टर है, कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, बिल्डिंग्स ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं यूरोप में आ रखा हूँ। लेकिन ये है जीबूटी, जीबूटी भाई इसको प्रोनाउंस करते हैं DJIBOUTY, जीबूटी। चलो भाई इसी एरिया में थोड़ा बड़ा घूमते हैं और देखते हैं क्या इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास देखने के लिए है नहीं। ये भाई मिलिट्री बेस है, और पता नहीं लोगों को क्या हो रखा है, बहुत सारे यूट्यूबर पहले भी आ रखे हैं और लोगों ने कहा कि यहाँ पे वीडियो बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे कहा जाता है हमारा सफर जीबूटी के अंदर। तो भाई वैसे आपको बता दूं कि जीबूटी जो है वो भाई मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। Also, I have to say that usually, as a white person, that you always feel like you're being looked at. But this is the first time that I feel less looked at. More people are looking at him because he's recording. Everyone like hides and stop recording. भाई बड़ी मुश्किल है यहाँ वीडियो बनाना भाई, बट ये बोल रहा था भाई कि यहाँ पर ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है भाई, 97% यहाँ पे लोग इस्लाम फॉलो करते हैं और 3% हैं जो है वो क्रिश्चियनिटी है। यहाँ पे सिर्फ दो रिलीजन है मेजर यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम। और भाई यहाँ पे कुछ ब्रेड वगैरह है भगत, ऑफकोर्स फ्रेंच कॉलर ही है भाई, तो ये सब मिलेगा ही। सही हिसाब किताब भाई किस हैपनिंग एरिया में चल रहे हैं, और यहाँ पे पास मुझे लग रहा है मुझे मॉस्क है, कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। तो भाई फिलहाल हम लोग यार एक मॉस्क की तरफ, यहाँ पे एक मॉस्क है आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे एक वही चीज़ देखने के लिए यहाँ पर है फिलहाल अभी तो। ये कुछ ऐसा एरिया है भाई। हेलो हाउ आर यू, हालांकि यार लोग फ्रेंडली तो हैं बट वन फ्रेंडली पर्सन। या भाई भाई यहाँ पे लोग बहुत ही अनफ्रेंडली हैं यार, सारे लोग काफ़ी रूड होंगे आपसे। और भाई यहाँ पे लोग बहुत ही जल्दी एकदम गर्म हो जाते हैं, एकदम झगड़ा करने लगेंगे आपसे एकदम। और एक बात यहाँ पे मैंने और देखी, मतलब छत ये जो ड्रग है भाई ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है यहाँ पर। ये भाई कुछ ऐसा दिख रहा है भाई हिसाब किताब यहाँ पे। चलो आजा भाई वहाँ पे मॉस दिख रहा है, फिर आपको दिखाती है मॉस। बट पता नहीं यार यहाँ पे लोग इतने अनफ्रेंडली क्यों हैं, सबसे भाई अनफ्रेंडली कंट्री आया हूँ, सबसे मोस्ट अनफ्रेंडली कंट्री है राइट नाउ। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मिक्स बिटवीन द पीपल दैट जस्ट रियली रियली डोंट लाइक टू बी फोटोग्राफ्ड, बट आई थिंक देयर इज आल्सो समथिंग इन देयर विद generally in Islamic countries that you don't photograph the woman, but I don't like, I'm not really. I mean obviously we're not, but at the same time it was more easy to photograph for me in Saudi Arabia, so here I don't like understand Afghanistan for example, yeah more easy, can't photograph the woman, yeah but I was trying not to, but at the same time here in Afghanistan nobody says like, it's not about the photograph, it's about like people are so unfriendly here, it's more about too, it's kind of not hilarious but it's amazing to see the juxtaposition, the difference. Because Ethiopia, I would say, is one of the most hospitable countries where people go out of their way to make sure you're comfortable. And here it's kind of the exact opposite, where they just want nothing to do with you. बड़ा ही weird system है भाई यहाँ पे, but जो है अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं मॉस्क की तरफ। ये जो सबसे ये ब्यूटीफुल मॉस्क है भाई, इस तरफ सब कचरा है भाई, यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा फेंका हुआ है लोगों ने, लेकिन मेरे सामने भाई ये जो मॉस्क है, जो मोस्ट फेमस मॉस्क है। आई ऑल्सो थिंक पीपल हेट अस बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स। आई एम अमेरिकन टूरिस्ट, I just live the personality. Just if you think I'm a tourist. In a Muslim country, we are wearing shorts. भाई मुझे लगता है इसकी वजह से लोग hate कर रहे हैं हमें. भाई पता नहीं क्यों. But ठीक है भाई अब. They already judge me by my skin color, so I might as well embrace it. तो भाई आ गया हूँ फिलहाल हम लोग इस mosque की तरफ. ये भाई mosque काफी शानदार दिख रहा है भाई. तो भाई हमें मॉस से धक्के मार के बाहर निकाल के गया बंदा, क्या कर रहा है यहाँ पर, निकलो यहाँ से भाई ऐसा बोल दिया। और स्पेशली पता नहीं यार यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई कहीं भी जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग एकदम बहुत अनफ्रेंडली हो रहे हैं और बोल रहे हैं निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, यहाँ पे क्या कर रहे हो। यही हिसाब किताब है भाई इस कंट्री में फिलहाल अभी तो। और अभी हम लोग पब, आई थिंक देयर इज नो अल्कोहल इन दिस कंट्री। एक्चुअली आल्सो इन जिबूटी इट्स इलीगल टू बी ड्रंक, यू कैन गेट थ्रोन इन प्रिजन फॉर 2 इयर्स, 2 इयर्स फॉर बीइंग ड्रंक इन पब्लिक। या और तो भाई आप यहाँ पे दारू पी के बाहर नहीं घूम सकते, अगर बाहर घूमेगा तो 2 साल तक आप सीधा जेल के चक्कर काटोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे दारू पी के आप बाहर भी नहीं घूम सकते, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स है भाई इस कंट्री में। एक्चुअली आल्सो अपेरेंटली वीडियोग्राफी इज प्रोहिबिटेड इन दिस कंट्री। सो भाई वीडियो बनाना एक्चुअली दिस कंट्री के अंदर प्रोहिबिटेड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली मिलिट्री स्टफ। तो भाई पहले बंदे मिले हैं जो कि नॉर्मल है। Be nice, peace.
fine, peace. मुझे लगा भाई ये भी बंदा कुछ बोलने वाला है मुझे, बट ये बंदा थोड़ा फ्रेंडली निकल गया। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ रखे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। इससे पहले बहुत सारी जो वीडियो थी मैंने बनाई थी, सब डिलीट हो चुकी है इसलिए डायरेक्टली आपको अंधेरा दिख रहा होगा। ये भाई हम लोग आ रखे हैं खाना पीना खाने के लिए, मटर पनीर दाल और गार्लिक नान। ब्रिटेन को खाने का मन करा इंडियन, यहाँ हालांकि इतना इंडियन खाता नहीं है ये, फिर भी मतलब बोला कि यहाँ का खाना इतना ख़राब है कि चलो कुछ इंडियन खाते हैं। इस रेस्टोरेंट यू फाउंड इट? आई फाउंड इट। चलो भाई ये खाना एकदम मटर पनीर दाल, एकदम पूरा वेजिटेरियन शाकाहारी खाना, दाल और नान है और कुछ कुछ यहाँ पे मसाले वगैरह हैं। This restaurant deserves more than 2 thumbs up. It deserves 5 fingers up. Very good. भाई बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट था भाई, यहाँ पे खाना पीना खा लिया और भाई फाइनली मैं कहीं चैन से वीडियो बना पा रहा हूँ। यहाँ पर भाई वीडियो बनाना एकदम इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भाई। दिन में मैंने कम से कम 25-30 वीडियो शूट किए होंगे, 30 में से मैंने 15-20-25 वीडियो मैंने डिलीट करना पड़ा क्योंकि लोगों ने कहा डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो और एग्रेसिव हो रहे हैं भाई। आपने देखा एक लड़की बोली, आई थिंक वो मैंने एटलीस्ट किसी तरह वीडियो में शूट कर लिया था कि नो रिकॉर्डिंग, वाई रिकॉर्डिंग? भाई मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, किसी को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, वीडियो डिलीट हो रहे हैं और पता नहीं वापस से कैसे रिकवर करूँ इस कैमरा जो वीडियो डिलीट हुए। आई डोंट थिंक रिकवर कर सकता हूँ मैं, रिकवर कर पाया तो आप देखोगे, अगर नहीं कर पाया तो आप नहीं देखोगे। यहाँ पैसा हिसाब किताब है और ये भाई साहब है यहाँ से, क्या नाम है भाई आपका? सत्य राणा। आप ऋषिकेश राइट? मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। कब से यहाँ पे आप? मैं 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल? 3 साल। सब बढ़िया यहाँ पे? सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, क्या हो सकता है। क्या नाम है इस रेस्टोरेंट का? सिग्नेचर रेस्टोरेंट भाई। प्रोबेबली बहुत अच्छा खाना था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट खाना मैंने खाया जिबूटी के अंदर। I'd say definitely not only one of the best Indian restaurants, but for sure best restaurant in Djibouti. Thank you so much. काफी शानदार था भाई। बाकी सारी बात चल के आपसे घर पे करता हूँ अभी, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल घर की तरफ। आज जो जो हुआ सब कुछ मैं आपको घर जाके बताता हूँ। और भाई ये कुछ ऐसा रेस्टोरेंट दिख रहा है भाई यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं। चलो लेट्स गो टू होम। तो भाई कुछ ऐसा रहा था जिबूटी में मेरा पहला दिन भाई, लेकिन वीडियो बनाना एकदम नामुमकिन है भाई जिबूटी के अंदर। मैं हर जगह जा रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं कैमरा बंद करो, और वीडियो बनाना भाई मुश्किल है। मतलब मुझे लगता है भाई जिबूटी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मैं वापस से कभी नहीं आऊँगा, आई थिंक मुझे लगता है ऐसा। और भाई जिबूटी के अंदर एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि भाई वो इंडियन भाई से मेरी बात हो रही थी, मैं सुपरमार्केट गया, मेरी इंडियन भाई से एक बात हो रही थी, तो उन कैमरा के सामने मैंने पूछा कि क्या हिसाब किताब, बोलता है भाई यहाँ क्यों आ गए हो? मैंने कहा पता नहीं घूमने आ गया हूँ। बोलता है यहाँ पे घूमने कौन आता है भाई, यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं वो। भाई बिल्कुल एक इंडियन भाई मुझे मिले थे और उनको जिबूटी बस भाई पैसे की मजबूरी में रहना पड़ रहा है, बाकी उनका रहने का कोई मतलब नहीं बनता था और वहाँ पे रहना चाहते भी नहीं थे जिबूटी के अंदर। तो भाई जिबूटी के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली फॉर टूरिज्म, और भाई वहाँ देखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जिबूटी ऐसी मेरी अभी तक कंट्री है जहां पर मैं सिर्फ एक नंबर काउंट की वजह से आ चुका हूं, ना कि वहां कुछ घूमने लायक। मुझे पता था भाई कि घूमने लायक कोई नहीं है, जितने भी लोग गए हैं उनको जिबूटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और मुझे भी भाई उतना कोई खास जिबूटी पसंद नहीं आया। मतलब क्या बोलूँ, मतलब अब अगले वीडियो में और देखोगे कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक मैं कहूँ भाई जिबूटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और एकमात्र ऐसी कंट्री जहाँ पर मैं वापस से नहीं आने वाला हूँ। तो ये थी भाई जिबूटी का मेरा पहला दिन। बहुत ही रूड पुलिस, बहुत ही रूड लोग, खाना भी ठीक ठाक, बट बस सिंपल सा मेरा जिबूटी का पहला दिन था भाई। इंडियन खाना खा के थोड़ा अच्छा लगा था बस। फिलहाल के लिए बाय बाय, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। दस विदानिया।